तो इजरायली सेना इस वक्त दो मोर्चों पर भीषण जंग लड़ रही है। एक तरफ हमास के लड़ाकों का सफाया वो कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला लड़ाकों को चुन चुनकर भी मार रही है। इजरायल ने हिजबुल्ला के वरिष्ठ सांसद के बेटे को हवाई हमले में मार डाला है। अब्बास रात को उस वक्त हवाई हमले में मारा गया जब वो हिजबुल्ला के ठिकाने से इजरायली सेना पर हमला करने जा रहा था। सीज फायर की आड़ में हिजबुल्ला पर हमला। जिस वक्त पूरी दुनिया हमास और इजराइल के बीच सीज फायर के खबरों को समझने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी वक्त इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला लड़ाकों पर भीषण हवाई हमला किया है। से 25 लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्ला के उन ठिकानों पर सटीक हमला किया है जहां से पिछले 24 घंटे में उत्तरी इजराइल पर हमले हो रहे थे। डेढ़ महीने से ज्यादा की जंग में भले ही गाजा पट्टी को इजरायली सेना ने रौंद दिया हो, लेकिन हमास का मरते दम तक साथ देने की कसम खाने वाले हिजबुल्ला ने हूथी विद्रोहियों के साथ मिलकर इजराइल को तबाह करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजरायल की स्पेशल फोर्स और घातक हवाई लड़ाकों ने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्ला की रीढ़ तोड़नी शुरू कर दी है। अब आप ये जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्ला लड़ाकों को कितना नुकसान पहुंचाया है। मारा गया हिजबुल्ला का अब्बास रात। इजरायली सेना ने लेबनान के विद्रोही गुट हिजबुल्ला पर अपने हमले बेहद तेज कर दिए हैं। ईरान समर्थित हिजबुल्ला का दावा है कि 22 नवंबर को इजरायली हमले में उसके 5 लड़ाके मारे गए हैं। इनमें हिजबुल्ला के वरिष्ठ सांसद का बेटा भी शामिल है। हिजबुल्ला ने बयान जारी कर बताया कि इजरायली हमले में हिजबुल्ला के संसदीय गुट के प्रमुख मोहम्मद राद के बेटे अब्बास राद की मौत हो चुकी है। हिजबुल्ला की ओर से मारे गए 4 दूसरे लड़ाकों की पहचान और फोटो भी जारी की है। मोहम्मद राद के परिवार से जुड़े एक सदस्य के मुताबिक हिजबुल्ला के वरिष्ठ सांसद मोहम्मद राद के बेटे अब्बास राद को बीट याहून के घर में इजरायली हवाई हमले में मारा गया है। इस हमले के दौरान कई लड़ाकों की दक्षिण लेबनान के बीट याहून में एक घर में मौत हुई है। इधर हिजबुल्ला ने लेबनान के 20 इजरायली सैन्य ठिकानों पर भयानक हमले किए हैं। हिजबुल्ला का दावा है कि उसके लड़ाकों ने दक्षिण लेबनान से इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इजरायल के ईन जेटिन में एक सैन्य अड्डे पर 48 कत्यूशा रॉकेट से हिजबुल्ला लड़ाकों ने हमला किया। हिजबुल्ला ने हैवी ड्यूटी बर्कन मिसाइलों से इजरायल के 20 अड्डों पर सीधा हमला किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना का दावा है कि उसने हिजबुल्ला के लड़ाकों को भून कर रख दिया है। इजरायल का दावा है कि उसने 80 से ज्यादा हिजबुल्ला लड़ाकों और कमांडरों को मार डाला है। खून में डूबा हिजबुल्ला इजरायल ने घुस कर मारा। बेशक हिजबुल्ला पर इजरायल ने ताबड़तोड़ हमले करके उसके ठिकानों को तबाह कर दिया हो, लेकिन यह भी सच है कि हमास की तरफ से हिजबुल्ला इजरायल के सामने जरा भी कमजोर नहीं है। हिजबुल्ला के पास ईरान से मिली घातक मिसाइलें और रॉकेट मौजूद हैं। 65,000 हिजबुल्ला के लड़ाके अमेरिकी और इजरायल की स्पेशल फोर्स की तरह ट्रेंड हैं, जो इजरायल में घुसकर हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला पिछले 2 हफ्तों से इजरायल को धमकी दे रहे हैं कि अगर गाजा में इजरायल ने हमले बंद नहीं किए तो फिर इजरायल को खून के आंसू रोने पड़ेंगे।
شهدنا في الأيام القليلة الماضية موجة جديدة من التهديدات من نتنياهو، من جالنت، من جانيتس، من آخرين باتجاه لبنان، وسببه هو ارتفاع مستوى القلق باتجاه ما يجري في هذه الجبهة وارتقائها كما ونوعا وعمقا. طبعا نحن سنستمر في هذا الموقف، في هذا الأداء. लबनान की तरफ से इसराइल पर पिछले डेढ़ महीनों में 35 से ज्यादा बड़े हमले हो चुके हैं। हमलों के जवाब में ही इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के ठिकानों को टारगेट किया है। इसराइल के हमलों में हिजबुल्ला के टेररिस्ट सेल और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। अब तक इजरायली हमले में लेबनान में 107 लोग मारे गए हैं, इनमें से 14 नागरिक हैं। अगर हम हिजबुल्ला के लड़ाकों की बात करें तो इसराइल से जंग में अब तक हिजबुल्ला के 80 लड़ाके मारे जा चुके हैं। इसके अलावा इसराइल ने सीरिया में भी हिजबुल्ला के 7 लड़ाके मार दिए हैं। वहीं हिजबुल्ला के हमलों में इसराइल के 6 सैनिक और 3 नागरिकों की अब तक मौत हो चुकी है। אני כבר רואה את האזרחים של עזה הולכים עם דגלים לבנים לאורך החוף ונעים דרומה. וחיזבאללה גוררת לבנון למלחמה שעלולה לקרות. והוא עושה טעויות. אם הוא יעשה טעויות מהסוג הזה כאן, מי שישלם את המחיר זה קודם כל אזרחי לבנון. מה שאנחנו עושים בעזה אנחנו יודעים לעשות בביירות. वहीं दूसरी तरफ पिछले 18 घंटे में इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी से लेकर लेबनान बॉर्डर तक हमास और हिजबुल्ला के लड़ाकों की लाशें बिछा दी हैं। महज एक घंटे के अंदर इजरायल ने हमास के 100 लड़ाकों को भयानक हमलों से उड़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला के लड़ाकों को इजरायल ने इस तरह से टारगेट करके मारा है कि मरने वाले हिजबुल्ला लड़ाकों को अपने मरने का एहसास तक नहीं हो पाया है। इजरायल की आईडी अपने जोरदार धमाकों से हमास और हिजबुल्ला लड़ाकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। हिजबुल्ला के पास ऐसे रॉकेट हैं जो इजरायल के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकते हैं। इसका अपना सशस्त्र विंग है जिसमें 1 लाख से ज्यादा लड़ाके बताए जाते हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला के पास 1.5 लाख मिसाइल होने का दावा किया जाता है। हिजबुल्ला लेबनान की सेना से भी ज्यादा ताकतवर है। इसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। हिजबुल्ला हमास से ज्यादा संगठित और ताकतवर है। हिजबुल्ला के पास इसराइल से लड़ने का खूब तजुर्बा भी है। उसके पास सबसे घातक आत्मघाती दस्ते हैं। गोरिल्ला युद्ध में इसके लड़ाके माहिर बताए जाते हैं। लेबनान, ईरान और सीरिया, ये 3 देश तो इसराइल से खूनी बदला लेने पर उतारू हो चुके हैं। हिजबुल्ला के साथ साथ हूथी विद्रोही भी इजरायली सेना पर हमला करने लगे हैं। अब खबर आ रही है कि कई मुस्लिम देशों ने कहा है कि अगर इसराइल ने सीज फायर के दौरान भी हमले जारी रखे तो फिर दुनिया इसराइल की तबाही और बर्बादी की तस्वीरें देखेंगी। फिर ना तो इसराइल को अमेरिका बचा पाएगा और ना ही ब्रिटेन और जर्मनी। इधर ईरान इस्लाम के नाम पर मुस्लिम मुल्कों को इसराइल के खिलाफ युद्ध करने के लिए भड़का रहा है। लगभग 62 साल के ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने तो साफ कह दिया है कि हमें ऊपर वाले के नाम पर इसराइल के क्रूर हमलों के खिलाफ एकजुट होना होगा और इसराइल के भीषण हमलों का जवाब देना होगा। मिल्लत-ए मुसलमान این دامایه ننگ خود میدانند که در زمانی که خون برادرانشان در غزه بر زمین میریزد دولت ها برای منافع اقتصادی سوخت ماشین جنگی اسرائیل را تأمین کنند. ایران کے راشبتی سید ابراہیم رئیسی اس بات سے خوف میں آ چکے ہیں کہ حماس کو اسرائیل دوڑا دوڑا کر مار رہا ہے। हिजबुल्ला के कमांडरों की टारगेट किलिंग इसराइल कर रहा है और मुस्लिम मुल्क सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। जमीन पर एक भी मुस्लिम मुल्क इसराइल के खिलाफ बड़ी जंग करने को अभी तक तैयार नहीं हुआ है। हमास की पॉलिटिकल विंग का चीफ इस्माइल हानिया कतर में बैठकर सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, लेकिन खुद गाजा के आसपास भी फटक नहीं रहा है। इधर इसराइल के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक इसराइली सैनिकों के बीच दावा कर रहे हैं कि हम हमास और उसके समर्थन करने वाले हर लड़ाके को चुन चुन कर मार रहे हैं और मारते रहेंगे।
इजरायली सेना ने हमास की नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर मेजर जनरल जिहाद मुहिसेन और उसके पूरे परिवार का सफाया हवाई हमले में कर दिया है। हमास ने इजरायल पर 40 साल का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसके बाद से गाजा युद्ध अब धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में फैलता जा रहा है। हिजबुल्ला को जिस तरह का नुकसान इजरायल के हमलों से हुआ है, उसका बदला हिजबुल्ला अब ईरान के साथ मिलकर ले रहा है, जिसमें हूथी लड़ाके भी शामिल हो गए हैं। अब देखना होगा कि इजरायल तीन तरफ से हो रहे हमलों का सामना कैसे करता है। सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन इस सीज फायर की आड़ में किसी को धोखा भी मिला। इजरायल ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हमला कर दिया है। खबर आ रही है कि इस हमले में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इजरायल ने सीज फायर डील की आड़ में हमास को धोखा देकर हमला किया है, जिसमें हमास के टॉप कमांडर और लड़ाके मारे गए हैं। ये 200 फिलिस्तीनी, सीज फायर की उड़ाई धज्जियां। नवंबर 2023 से हमास और इजराइल के बीच सीज फायर लागू होना था, लेकिन गाजा में इजरायली सेना ने इतना भीषण हमला किया है कि देखते ही देखते 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायली सेना के हमले में मार दिए गए हैं। सीज़फ़ायर लागू होने से महज कुछ घंटे पहले हुए इस हमले ने हमास के होश उड़ा दिए हैं। मिडिल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक सीज़फ़ायर लागू होने से ठीक पहले हुए इस हमले ने अरब और मुस्लिम देशों में हड़कंप मचा दिया है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन अब इस बात से खौफ में हैं कि कहीं सीज फायर की डील टूट ना जाए। हम आपको सीज फायर डील के दौरान हुए इस हमले की वो इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि चार दिन के सीज फायर से सबसे ज्यादा फायदा हमास को होने जा रहा था। लेकिन इजराइल की आईडीएफ ने गाजा में बड़ा हमला करके हमास को सीज फायर के जाल में फंसाकर मारना शुरू कर दिया है। हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों हमास का लादेन दक्षिणी गाजा को इजरायली हमलों से बचाने की कोशिश में जुटा है, जिसके मंसूबों पर अब इजरायल ने पानी फेर दिया है। गाजा में भीषण हमला, भाग गया हमास का लादेन। हम आपको बताने जा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने गाजा में कहां कहां हमले किए हैं, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, और क्यों खान यूनिस के कसाई के नाम से मशहूर हमास का टॉप लीडर याहया सिनवार इजरायली हमले के बाद भाग गया है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि 1.5 महीने से ज्यादा की जंग में अब तक के 13,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। पैंतालीस
48,000 हमास लड़ाकों में से 10,000 से ज्यादा हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना अब तक 80 मीटर गहराई में मौजूद हमास के 400 सुरंगों को तबाह कर चुकी है। जबकि हॉस्पिटल, मस्जिदों, स्कूलों और रिहायशी इमारतों के नीचे बनी 300 से ज्यादा सुरंगों को आईडीएफ ने बम लगाकर उड़ा दिया है। अब आप ये जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में ऐसा आखिर क्या हुआ कि इसराइल ने सीज फायर के डील के दौरान